So good morning friends, welcome to PT classes. Today a very important session for all those who want to make their career for hairdresser interview. I hope students, आज जो हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो हेयर एंड ब्यूटी पर है और आपको बहुत से नए क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेयर स्टाइल्स आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है और उम्मीद है हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश रिगार्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज. तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं मिस्टर परमवीर. और परमवीर आज मेरे पास आपके लिए बहुत क्वेश्चंस है. आपको एक्सपीरियंस कितने टाइम का हो चुका है मिस्टर परमवीर? यस सर, मेरे को इस लाइन में 4 साल हो चुके हैं सर. 4 साल हो चुके हैं, ओके. तो बहुत से हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आज आपके सामने. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हेयर कट कितने प्रकार के होते हैं? यस सर, बेसिकली हेयर कट जो लेडीज में यूज जो चल रहे हैं अपने जो इंडिया में वो 18 प्रकार के होते हैं सर. ओके, 18 टाइप्स. ओके, अच्छा लेयर हेयर कट कैसे होता है ये बता दीजिए. लेयर हेयर कट सर, फर्स्ट ऑफ अपने हेयर जो लेडीज आएंगे उनके हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही हेयर कट होते हैं वैसे तो. right. और उसे अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे उनका टेक्सचर कैसा बालों का, और उसके बाद अपने क्लाइंट हेयर वॉश करेंगे. देन उसके बाद फोर सेक्शन में डिवाइज करेंगे. फोर सेक्शन में डिवाइज करने के बाद जो बैक का सेक्शन होगा उसे अपने स्ट्रेट कट करेंगे. स्ट्रेट कट करने के बाद जो उसकी गाइडलाइन होगी वो अपने ऐड करते जाएंगे और फ्रंट में जाके कट कर देंगे 90 डिग्री पे और उसे क्लियर हेयर कट कहा जाता है. अच्छा स्ट्रेट कट क्या होता है? स्ट्रेट कट सर, स्ट्रेट कट में यही रहेगा कि बालों का टेक्सचर चेक करेंगे सबसे पहले तो, चाहे आप कोई भी कट ले लो उसमें okay. अपने पहले हेयर का टेक्सचर चेक करेंगे. right, right. उसके अकॉर्डिंग ही हेयर कट होते हैं. बिल्कुल. तो उसमें क्या हेयर वॉश करेंगे, देन उसके बाद फोर सेक्शन में डिवाइज करेंगे. इसको भी फोर सेक्शन में डिवाइज करने के बाद जो बैक सेक्शन होगा उसे अपने वन लेंथ में ही कट करेंगे. देन उसके बाद उसकी भी गाइडलाइन अपने लेते जाएंगे और फ्रंट में भी उसको स्ट्रेट में ही कट करेंगे और उसे स्ट्रेट कट कहते हैं. और स्ट्रेट कट और स्टेप कट में क्या डिफरेंस है? स्टेप कट सर, स्टेट में तो अपने इक्वल लेंथ पे 0 डिग्री पे हेयर कट करेंगे उसका. यस ओके. देन उसके बाद जो स्टेप होता है उसे अपने उसकी गाइडलाइन लेंगे और उसे 180 पे कट करेंगे ले जाके जो फ्रंट पे ले जाके. ओके यस. अच्छा केराटिन क्या है और हेयर के लिए क्यों यूज किया जाता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ केराटिन? जी सर, केराटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है. और केराटिन बालों को जो जिनके बाल जले होते हैं जिनके बाल डैमेज होते हैं उन पे अपने यूज़ करते हैं. तो जैसे कि कैडव्यू ब्राज़ील की कंपनी है तो बहुत ही अच्छी है जो कि okay. और लॉरियल की एवरीथिंग okay. और भी जो कंपनी है ये केराटिन right. के लिए. ओके, मैं मिलाना चाहूँगा आपको काजल से. शी विल बी अकॉम्पनिंग दिस इंटरव्यू और आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे. काजल, हैव योर क्वेश्चन प्लीज. यस श्योर सर. आपने अपना कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया? यस मैम, स्पार्कल सैलून मेकअप अकेडमी से. ओके, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं कोर्स करके? जी मैम, मैं ये कोर्स कंप्लीट करके यूरोप जाना चाहता हूँ मैम. यूरोप में कौन सी जगह? यूरोप में मैम माल्टा. ओके, आपकी हॉबीज क्या है? मैम माय हॉबीज मैम न्यू एक्सप्लोरिंग फैशंस एंड प्लेइंग आवर गेम्स. ओके, एक्सप्लोरिंग न्यू फैशंस दैट्स ग्रेट. अच्छा हेयर स्मूथिंग क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है पूरा बताइए मुझे. हेयर स्मूथनिंग सर, हेयर स्मूथनिंग कहते हैं बाल स्ट्रेट बिल्कुल अपने हेयर स्ट्रेट करना. ओके जिनके बाल कर्ली होते हैं जब डैमेज होती है उन्हें एक प्रोवाइड करते हैं बालों को. राइट राइट ओके. देन इसकी प्रक्रिया जो अपने फर्स्ट ऑफ पहले क्लाइंट को अपने बिठाएंगे उनके हेयर चेक करेंगे उनके हेयर हिना कोटेड हैं या वर्जिन हेयर हैं. okay. अगर उनके बाल हिना कोटेड पहले बताना चाहूँगा. हिना कोटेड मेहंदी जिनके बालों पर लगी होती है. मेहंदी लगी होती है उनके बालों के अगर अपने करेंगे तो उन पे वेट हेयर पे यानी कि थोड़े गीले बालों पे क्रीम अप्लाई करेंगे. ओके okay. क्योंकि उनके बालों को अगर अपने फुली ड्राई करके क्रीम एप्लीकेशन करेंगे तो वो बाल जल जाएंगे. बिल्कुल. तो इसलिए अपने अगर हिना कोटेड या वर्जिन अकॉर्डिंग उसके चलेंगे. देन उसके बाद वॉश करने के बाद फुली ड्रायर या वेट हेयर पे जो भी एप्लीकेशन करेंगे 40 या 45 मिनट तक रखेंगे जी. अगर अपने इस एप्लीकेशन करेंगे ये छोटे छोटे सेक्शन में ही करेंगे. ओके क्योंकि एक एक बाल में वॉसिफाई करनी होती है इस क्रीम को. तो उसके बाद अपने इसके बोन्स ब्रेक करने का वेट करना पड़ता है. तो उसके अपने 20 मिनट तक देखेंगे उसके बाद अपने बोन्स चेक करेंगे लगभग ये 40 या 45 मिनट तक हो जाते हैं बोन्स ब्रेक. राइट तो इसके बाद अपने वॉश करेंगे. वॉश में क्या आपने पूरी क्रीम बाहर निकालनी है बालों में से वॉश के समय क्योंकि अगर रह गई तो वहीं पे बाल वो डैमेज हो जाएंगे. okay. वहीं से टूटने स्टार्ट हो जाएंगे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे स्किन से. तो उसके बाद वॉश करने के बाद आइनिंग उसके बाद आइनिंग करेंगे. आइनिंग का क्या रहेगा उसका टेम्परेचर रहेगा. टेम्परेचर बालों के अकॉर्डिंग होता है. अगर पतले बाल हैं तो 190 में करेंगे. अगर थोड़े से मोटे बाल हैं 210 पे या तो 230 पे उसके अकॉर्डिंग हेयर केयर चलेगा वो तो. okay. और उसके बाद अपने जो रहेगा लास्ट स्टेप स्मूथनिंग का वो रहेगा न्यूट्रलाइजर. न्यूट्रलाइजर को अपने अप्लाई करेंगे इससे
सात से दस मिनट तक जो प्रोफेशनल टाइम है, सात से दस मिनट तक उस टाइम तक रखेंगे, देन अपने वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फुली ड्राई एंड ब्लो ड्राई करेंगे और अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करेंगे आप दो दिन बाद आना और वॉश करेंगे, दो दिन बाद आप वॉश करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। वंडरफुल। अच्छा ऑक्सी स्मूथ क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऑक्सी स्मूथ, यस सर, ऑक्सी स्मूथ, ऑक्सी स्मूथ में यही है कि आप बाल उसमें स्ट्रेट होते हैं, लेकिन आपके जैसे बाल में टेक्चर अलग है, जैसे आपके बाल अलग कलर जैसे वाइट आ चुके हैं, जहाँ अपने बात करें कि किसी प्रकार आपका कलर अलग अलग आ रहा है बालों में, तो उसमें जैसे आपके एक जो नेचुरल हेयर है वो है डार्क ब्राउन है, तो उसको अपने उस डार्क ब्राउन बालों करने के लिए स्ट्रेट तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें क्या आपने वो कलर भी लेके आना एक चाहिए, तो उसमें क्या पॉलिशिंग करेंगे, उसमें अपने ऐड करेंगे, जैसे आप चार नंबर डार्क ब्राउन कर रहे हैं तो उसमें अपने चार नंबर टू मिक्स करेंगे और अप्लाई कर देंगे। और हेयर स्मूथनिंग में आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं और उनकी कंपनीज वगैरह कुछ बताइए। इसमें सर अपने फर्स्ट ऑफ लोरियल, लोरियल मैट्रिक्स, स्कॉचको, वेला, स्टिक्स आदि की यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल की यूज़ की जाती हैं। ओके परमवीर, ब्लॉन्डर क्या होता है और इसे कलर में यूज़ कैसे किया जाता है? जी सर, ब्लॉन्डर, सर ब्लॉन्डर एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे आपके हेयर, हेयर के अकॉर्डिंग वो भी होता है, और आपके जैसे हीना कोटेड हेयर हैं जैसे कि आपको मैंने पहले बताया मेहंदी वाले हेयर, उन पे अपने यूज़ करते हैं, जैसे उनके मेहंदी यूज़ करके बालों में उसमें रेड स्टोन आ जाती है, अलग अलग टोन्स आ जाती हैं बालों में, जैसे उनके नेचुरल से हेयर डार्क ब्राउन है तो वहाँ तक अपने उस लेवल तक लेके जाना है, तो सबसे पहले अपने ब्लॉन्डर में 40 वॉल्यूम तक मिक्स करेंगे, 40 वॉल्यूम मिक्स करके उसे फिर 20 से 25 मिनट तक रखेंगे और अपने देखेंगे भी उसमें वो टोन आई है या नहीं, और उसके बाद अपने उनको कौन सा कलर चाहिए, अगर डार्क ब्राउन चाहिए वो टू में अपने 30 वॉल्यूम मिक्स करके अपने अप्लाई कर देंगे और देन उसका हो जाएगा। कलर में कितने वॉल्यूम होते हैं? यस सर, कलर में 10, 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम होते हैं लोरियल, लोरियल और मैट्रिक्स में। अगर अपने बात करें वेला की, वेला का अपने बात करते हैं तो जीरो से स्टार्ट हो जाता है, 0, 10, 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम। ओके, अच्छा बेसिक कलर कितने प्रकार के होते हैं? या बेसिक कलर जो अपने इंडिया में जो अपने हेयर में पाए जाते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ओके, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ जैसे बात करें नेचुरल, जेड नेचुरल ब्लैक, जेड ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, आई थिंक। और प्रोफेशनल कलर की कंपनीज के नेम बता सकते हैं? यस सर, बताइए। प्रोफेशनल कलर, प्रोफेशनल कलर में सर लोरियल का, लोरियल, मैट्रिक्स, वेला, स्कॉचको, स्ट्रिक्स आदि। और मैनिक्योर और पेडिक्योर के टूल्स के नाम बताइए। मैनिक्योर, यस श्योर सर, मैनिक्योर और पेडिक्योर के टूल्स के बफर, फर्स्ट ऑफ बफर, यस बफर, पुशर, नेल कटर एंड मेल, मेल बफर, मेल बफर, ओके ये चार ही होते हैं। यस के और भी प्रोडक्ट्स, और भी टूल्स होते हैं? और यस है सर, ब्रश बफर्स, ओके आदि। चलिए, हेयर स्पा के क्या बेनिफिट है, हेयर स्पा क्यों कराया जाता है? यस सर, हेयर स्पा अपने बालों के जैसे आपके बाल ड्राई हो चुके होते हैं या बाल आपके डैमेज हो चुके हैं उनके लिए एक ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये लोरियल्स, मैट्रिक्स, अलग अलग कंपनियों के होते हैं ये, उनके लिए क्या ये अप्लाई एप्लीकेशन होती है, ट्रीटमेंट्स होते हैं हेयर स्पा के भी अलग अलग, आप कोई भी ले लो, चाहे आपके ड्राई हेयर्स हैं जहाँ आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है, अलग अलग के लिए उनके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं हेयर स्पा के। ओके, और स्किन कितने प्रकार की होती है? सर स्किन तीन प्रकार की होती है, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन। और हेयर की कितनी लेयर होती है? यस सर, हेयर की तीन लेयर्स होती हैं, मेडुला, क्रोटिस एंड क्यूटिकल्स। ओके, मेडुला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। अच्छा स्किन की कितनी लेयर होती है? जी सर, स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, हाइपोडर्मस, डर्मस और एपिडर्मिस। वेरी गुड। अच्छा बता सकते हैं चॉकलेट कलर कितने होते हैं? यस सर, बेसिकली जो चॉकलेट्स कलर जो फैशन शेड्स में आते हैं वो 4.5, 5.5, 6.5 एंड 7.5। मेहंदी वाले बालों को कलर डिपॉजिट कैसे करेंगे? यस सर, अगर किसी के हिना कोटेड हेयर होते हैं, मेहंदी वाले हेयर होते हैं, तो उन पे सबसे पहले अपने उनका बालों का टेक्चर चेक करेंगे, उसके बाद ब्लॉन्डर में अपने 40 वॉल्यूम ही मिक्स करेंगे, जैसे मैं पहले बताया था ब्लॉन्डर के बारे में जो बात कर रहे थे, तो उसमें 40 वॉल्यूम मिक्स करेंगे, उसके बाद अपने अप्लाई करेंगे, तो उसके बालों को उस अकॉर्डिंग तक लेके जाना है और उसे अपने कलर क्लाइंट को कौन सा चाहिए राइट, तो वहाँ तक लेके जाके अपने उस कलर के ट्यूब में 30 वॉल्यूम मिक्स करके अपने अप्लाई कर देंगे, देन कलर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अगर आपने स्मूथनिंग की है तो होम केयर के लिए कौन सा मैट्रिक्स शैम्पू प्रोवाइड करेंगे? अगर अपने मान लो मैट्रिक्स की स्मूथनिंग की है तो अपने उनको मैट्रिक्स के नॉर्मल जैसे आते हैं शैम्पूज या मैट्रिक्स ओटीपी का करेंगे, अदर कंपनी का करेंगे तो वो उसमें रिजल्ट नहीं रहेगा वो चीज़ का। अच्छा ये बताइए कि आपने क्यों करियर चूज़ किया अपना एज ए हेयर ड्रेसर? यस सर, आई एम क्रिएटिव बॉय
और मुझे नई चीज़ें और नए काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने हेयर में ही अपना करियर बनाने का सोचा और मैंने तो इसलिए हेयर एंड ब्यूटी का कोर्स किया, और इस कोर्स को करने के बाद मैं यूरोपियन माल्टा में जाने देता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, पब्लिक को कुछ गाइड करेंगे आपकी अपने हेयर्स को कैसे अच्छे रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कुछ आपके पास कुछ ऐसा पॉइंट्स हो? श्योर सर, जैसे बात करें अपने, सबसे पहले तो यही करेंगे कि अपने शैम्पू जैसे क्लाइंट यूज़ करता है तो उनके हेयर के अकॉर्डिंग यही कहेंगे कि आप अच्छा प्रोफेशनल शैम्पू यूज़ करें। अगर वो शैम्पू यूज़ अच्छा नहीं कर रहे तो उनके क्या आपके हेयर का जो टेक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको यही बोलूँगा कि प्रोफेशनल कंपनी का ही अपने शैम्पू यूज़ करो आप। बिल्कुल। प्रोफेशनल में जैसे लोरियल, मैट्रिक्स, स्कॉचको, वेला, ब्लॉसर कोचर, रागा आदि कई जो प्रोफेशनल वो यूज़ होते हैं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि शैम्पू कितनी बार करना चाहिए वीक में? वीक में सर 2 बार। अगर लोग तो डेली करते हैं, आपको क्या लगता है? डेली में सर शैम्पू में केमिकल होते हैं जो केमिकल अपने जो स्किन होती है उसको डेड्स कर देते हैं। उसके बाद जैसे हेयर फॉल जहाँ बाल टूटने लग जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बालों में। ओके। और एक डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम है हर व्यक्ति की, कुछ खास करके विंटर्स में, तो उसका कुछ आप बेसिक घरेलू कुछ इलाज आपके हिसाब से? यही है सर, फर्स्ट ऑफ कि विंटर में जैसे होता है तो आप सबसे पहले वो हेयर वॉश करते हैं, जैसे ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना। ओके। और सेकंड ये है कि आप जैसे ऑयलिंग कर ली किसी ने और वो उसे 3 से 4 दिन रख लेता है या 2 दिन रख लेता है तो उसमें क्या डस्ट आ जाती है। बिल्कुल। तो उसके कारण वो एक परत उसकी रह जाती है और उसके कारण ये रहता है और डैंड्रफ आ जाता है। और उसे रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे लोरियल के पावर डोज होते हैं, मैट्रिक्स के होते हैं, वेला के होते हैं, अलग अलग कंपनीज के जो प्रोफेशनल कंपनीज बनाती हैं इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं अलग अलग। ओके। तो आपको क्या लगता है हेयर ड्रेसिंग का जो करियर है वो आगे फ्यूचर में बढ़िया है? यस सर, बहुत बढ़िया रहेगा करियर, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो नई नई चीज़ें, नई टेक्निक्स या नए, बिल्कुल चाहती है सब कुछ भी हेयर्स के अकॉर्डिंग, नए न्यू हेयर स्टाइल्स, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और क्या लगता है कि ज़्यादा जो मेल है वो इंटरेस्ट रखते हैं हेयर्स के केयर में या फीमेल्स, या दोनों रखते हैं आपके हिसाब से? दोनों रखते हैं सर, फीमेल और मेल्स, ज़्यादा फीमेल्स ही ज़्यादा। आपके पास यूनिसेल्यून है तो आपको तो पता होगा कि कितने परसेंटेज आपके पास फीमेल्स आते हैं, कितने मेल्स आते हैं। यस सर, फीमेल्स सर ज़्यादा आते हैं। ओके। ऑब्वियस है, इट्स अ हेयर केयर डेफिनेटली। चलिए, मेरी बेस्ट विशेज, रियली आपने जो नॉलेज दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स।